मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस जोड़ी जो कि आजकल इंटरनेट पे वायरल चल रही है, विजय रिया ब्लॉग के बारे में, जिससे जिनसे मेरी बात इंस्टाग्राम के द्वारा हुई है और बताया गया है, और कई भाई लोग, बड़े यूट्यूबर भी जो हमारे बड़े भाई लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी काव्या में, और उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल, बट मैं ऐसा जो अभी चल रहा है, और मेरी बात एक भाई से इंस्टाग्राम पे हुई है जो कि रिया विजय ब्लॉग है, विजय रिया ब्लॉग के नाम से आपने देखा होगा, बहुत फेमस चैनल है, अभी आजकल वायरल चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनको धमकियां भी मिल रही हैं, और मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं उनके पास, वो सबको टाइम भी दे रहे हैं, सबके साथ वीडियो शूट करते हैं। एक लड़का उनके पास आया, उनने मतलब सुबह 6 बजे पहुंचा, वो खुद मिले, उन्होंने उनके साथ वीडियो भी शूट किया, फ़ोटो भी निकाला, उसको 2 घंटे दिया। कोई यूट्यूबर 2 घंटे नहीं दे सकता, बहुत बड़ी बात है, 2 घंटे उन्होंने दिया। उसके बाद वो काम पे चले गए कहीं, उनकी वाइफ और उनकी सिस्टर उनके घर पे थी। वो लड़का फिर लौट के आता है और फिर उनके वाइफ लोगों के साथ शायद वीडियो बनाने लगता है, जैसा कि बताया है, सुनने में मिला है। फिर वो भाई आते हैं, उनको बोलते हैं कि अपने घर जाओ आप, फिर भी वो नहीं जाते, उनको धमकियां देते हैं कि आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। तो मैं यही कहूँगी कि वो लोग अपनी मेहनत से वायरल हुए हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो उनका सच्चाई हो वो दिखा रहे हैं, कुछ बनावटी नहीं दिखा रहे हैं, पब्लिक उनको प्यार दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आप ऐसा ना जाएं और आप ऐसा ना करें किसी के साथ, किसी को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो किसी को आपको नीचे गिराने का हक नहीं है। कितना यूट्यूब में मेहनत लगता है वो मुझे पता है, और शायद हर यूट्यूबर को पता होगा, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, वो आज इतना वायरल चल रहे हैं तो वो अपनी मेहनत से चल रहे हैं, ना कि किसी की उसमें मेहनत है। बेचारे आप देखते हो कैसे बना रहे हैं, और वो लव मैरिज कपल के नाम से भी जाने जाते हैं। आप सर्च भी करना विजय रिया ब्लॉग, बहुत वायरल चल रहा है, जल्दी उनको सक्सेस मिला है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। उन्होंने पहले भी एक चैनल बनाया था तो मोहल्ले वालों ने बोला, वीडियो देखा है तो उन्होंने डिलीट कर दिया था, शायद उनका वो भी वायरल हो चुका था, वीडियो होने वाला था, क्राइटेरिया पूरा कर चुके थे वो। एक दूसरे भाई भी उनके यहाँ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे अपने घर पे 4-5 दिन आप रुका लीजिए। तो जिसके पास खुद रहने के लिए जगह नहीं है, खुद की छत नहीं है, आदमी बना रहा है, आप उसके यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर पे रुका लीजिए, जिसके पास घर है वो भी नहीं रुकाएगा किसी के, आजकल किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, फिर आप तो अनजान व्यक्ति हैं। और वो लड़का जाके उसकी बेटी को कुछ खिला रहा था, बेशक आप कुछ अच्छा खिला रहे थे, लेकिन जो अजनबी इंसान है, मेरे लिए तो आप अजनबी ही है ना, तो मैं तो गलत ही सोचूंगी। और उनने भी सही किया, जो विजय भाई हैं और रिया हैं, उन्होंने भी यही किया कि मेरी बेटी को कुछ खिला रहे थे, कुछ खिला देते, कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। सही है, उनका भी शक करना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लड़का खिला रहा था। जब एक बार उन्होंने भगा दिया है, आप चले गए हैं, 2 घंटे वो टाइम दे चुके हैं आपको, आपको तो वैसे ही अकेले में नहीं आना चाहिए था, किसी की वाइफ और बहन घर में है अकेले, तो आपको तो बिना परमिशन के किसी के घर घुसना ही नहीं चाहिए। वो भाई उनके घर के अंदर घुस के वीडियो शूट कर रहा है, उनकी वाइफ मना कर रही, फिर भी वो जबरदस्ती वीडियो शूट करने के लिए लगा है, वायरल के चक्कर में। ऑलरेडी वो 2 घंटे दे चुके थे, फोटो हो चुका था, वीडियो हो चुका था, उसके बाद भी वो लगे थे बनाने के लिए। बहुत परेशान है वो खुद, उनने एक्शन नहीं लिया, बोले मैंने अभी एक्शन नहीं लिया, अगली बार मैं खुद FIR करूंगा इस बात पे। तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, वो अपनी मेहनत से हैं जहाँ भी हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, वो ऐसे ही आगे जाएं, ऐसे ही आगे बढ़ें, और सभी लोग आगे बढ़ें। आप एक बार मेहनत करके देखिए, तब पता लगेगा कि किसी को डीमोटिवेट करना कितना मतलब मुश्किल है। वो मेहनत कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं अच्छी, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनको सच्चाई दिखा रहे हैं। आप भी सच्चाई दिखाइए, ऐसा नहीं पर्दे के पीछे कुछ, पर्दे के आगे कुछ। आज की पब्लिक रियलिटी देखना पसंद करती है, ना कि झूठ झपाट पसंद करती है, उनको लाइक कर रही है पब्लिक, और वो बेचारे हैं भी उस कंडीशन में कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी और है, उसमें आपका कुछ नहीं है कि आप जाके, वो आपको टाइम भी दे रहे हैं, आप उनको धमकियां दें। तो यही कहूंगी कि जो लोग भी हैं ऐसा ना करें आगे से,
नहीं तो वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं, और शायद किसी की बहन बेटी अकेले घर में होगी और आप जाएंगे तो कोई भी एक्शन लेगा। उनके घर में आप रुकने की जिद करते हैं तो किसी के घर में कोई नहीं रुकाता है अजनबी व्यक्ति को। आप क्या है, कौन है, किसी को किसी का नहीं पता। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहूंगी, और उन भाई के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसा ना करें किसी के साथ। वो बहुत ही मजबूर परेशान लोग हैं जो कि रह रहे हैं, और उनका आप वीडियो देख सकते हैं, रियलिटी सारी देख सकते हैं किस प्रकार किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि जाके किसी को परेशान करें, किसी की फैमिली को परेशान करें। बेचारे कितने रो रहे थे, कितने परेशान हैं, और ऐसा ना करें।